सॉरी मैं कल से आपको कोई अपडेट दे नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन। तो दोस्तों आप लोगों ने हितेशा की ये वाली वीडियो तो देख ली है, लेकिन इससे पहले उनका क्या रोल रहा है, कैसी वीडियो बनाते थे, उन्हें तो आप लोगों ने नहीं देखा, तो ये देखो। तो हितेशा ने इतना मेहनत किया, मेकअप आर्टिस्ट है, डांसर है और कंटेंट क्रिएटर है, और कंटेंट क्रिएटर है। इतना मेहनत करने के बाद भी उसके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा था, तब उसको ये चीप पब्लिसिटी स्टैंड करना पड़ा। उसे कोई और नहीं मिला, तो सिर्फ मिला तो डिलीवरी बॉय मिला। लेकिन इस हितेशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या मालूम कि एक डिलीवरी की नौकरी पकड़ने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है, उसे बाइक परचेज करना पड़ता है, तभी उसे जोमैटो की नौकरी मिलती है 12-13 हज़ार रुपये महीना वाली। लेकिन ये लोग क्या जानेंगे, उसे क्या पता था कि डिलीवरी करते करते एक दिन मेरा ये मोड़ आ जाएगा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो हितेशा को करना था चीप पब्लिक सिटी स्टैंड, और इस पब्लिक सिटी में इनको सहारा चाहिए था जोमैटो डिलीवरी बॉय का, जो सुबह से शाम तक धूप में चलकर आपके पेट की आग बुझाते हैं। आप एसी में बैठे रहते हैं, वो धूप से चलकर आते हैं और आपके पेट की आग बुझाते हैं, उनका सहारा लेना पड़ा इनको। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते, बताओ वो घर में बैठे बैठे लाखों रुपया तो कमा रहे, लेकिन 12-13 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करने वाले को परेशान कर दिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। क्या लगता है उसका खोया हुआ वकार उसे वापस मिल जाएगा? नहीं। चलो नौकरी वापस मिल भी जाती है, क्या ये वकार जो उसने खो दिया वो मिल जाएगा? नहीं। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने आप को समझते क्या है? बंटी तो चूतिया है। चीप पब्लिक सिटी स्टैंड के लिए एक डिलीवरी बॉय को परेशान करना, इनको पड़ गया भाड़ी। और क्यों नहीं पड़ेगा भाड़ी? क्योंकि दुनिया इतना बेवकूफ नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएगा। आप वीडियो देखिए प्लीज भाई, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए यार। और जैसे ही उधर डिलीवरी बॉय का रिप्लाई आया तो सबको पता चल गया गलती किसकी है। तो हितेशा जी को ये चीप पब्लिक सिटी पड़ गया बहुत ही महंगा, और उसे ये पब्लिक सिटी क्यों करना था? वो काफी टाइम से डांसिंग वाली वीडियो बनाती थी, कपड़े बदल बदल के वीडियो बनाती थी जैसे इधर देख रहे हैं आप लोग, और उस वीडियोस में उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, उनकी वीडियो वायरल नहीं जा रही थी, तो उसको पॉपुलर होने के लिए ये स्टैंड करना पड़ा कि उल्टा भारी पड़ गया उन्हीं के ऊपर। क्योंकि यहाँ जो सताया गया ना, एक गरीब को सताया गया, और कमराज का जो रेटिंग था ना डिलीवरी का, वो 4 पॉइंट से ज़्यादा रेटिंग था, और 4 पॉइंट से ज़्यादा रेटिंग अच्छा माना जाता है। इस बात को खुलासा करने वाले खुद जोमैटो है कि उनका रेटिंग बहुत ही अच्छा है। तो बताओ यार, जो 10,000-12,000 की नौकरी पे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और तुम्हारे घर खाना पहुंचाते हैं, तुम घर में एसी में आराम से बैठे रहते हो, लेकिन वो भरी सित धूप में आपके घर तक वो खाना लेके आते हैं, आप उन्हें एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, और उनके साथ ये बर्ताव होता है,